भाई साहब आज वीडियो देखे थे व्हाट्सएप पे आई थी और व्हाट्सएप पे जो वीडियो आते ना बिल्कुल सच्चे होते हैं। सारे जने मैं क्या जी की हाल चाल है तुहाडे सारिया दा वधिया हैगा चलो वधिया ही होना चाहिदा है। मौसम हो रहा है एकदम फर्स्ट क्लास फंटास्टिक आए हाय ठंडी ठंडी हवा क्योंकि कल बहुत ज्यादा गर्मी थी इस करके आज थोड़ा सा मौसम सही हो गया। तो कोई मुझे कह रहा था कि मैम आप ये मत बोला करो। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सारे जने, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता मेरा ये बोलना? ये बोलती हूँ जब भी तो सारे जने देखते हैं, अगर ये नहीं बोलूंगी तो कोई देखेगा ही नहीं। देखो बदल गरजते हुए फिर अच्छी सी। तो सुनने में आया है कि लॉकडाउन और बढ़ाया गया है, फिर 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है यार। हर 15 दिन बाद पता चलता है कि लॉकडाउन बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है यार, ये अब क्या होगा? और ये कोरोना वायरस भी ख़त्म होने में नहीं आ रहा है, ये भी दिन प्रतिदिन और बढ़ते ही जा रहे हैं यार। अब ये 17 तक फिर नहीं खुलेगा, फिर सारा बंद रहेगा, फिर हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये आगे आने वाले टाइम में कभी खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, मुझे तो ऐसे लगता है नहीं खुलने वाला है यार। जो है वो अपना होमवर्क कर रही है। होमवर्क कर रहे हो? तो क्या कर रहे हो? अरे वाह ये देखो ये तो लूडो बना रहे हैं, जो फोन में लूडो बनी हुई है। हाँ, सेम टू सेम। पर हम बहुत बड़ा सबको टीम में लेके हम सबको टीम में लेने वाले हैं ये लूडो बना के, है ना? ये बना लिया? अरे वाह ये गीटियां दिखा ना, गीटियां दिखाओ। अरे वाह ये देखो कितनी अच्छी अच्छी कागज के हैं, और ये देखो ये रहा इसका। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बना दिया, देखो ਵਿਚਸਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣੋ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਲੋਗ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कोई पूछ रहा था कि शर्मा जी को चाय बड़ी पसंद है। हाँ जी उनको चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं उनके लिए चाय अच्छी, उनको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आती है। तो मैं कुछ ही वाघ बकरी लेके आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ शायद ये अच्छी मतलब बन सकती है नहीं बन सकती है। आप बताओ यार कौन सी चाय पिलाएं जो उनसे उनको अच्छी लगे और मुझे भी अच्छी लगे। हीरो लग रहा हूँ एकदम मस्त, हीरो लग रहा हूँ। चलो चले कहाँ चले, बाहर ठंडी हवा चल रही है। हाँ हाँ मैं तो उड़ गई हवा में, उड़ गई हवा में, देख सारे बाल उड़ गए, सच्ची में उड़ गए सारे बाल। आपकी जो वेन्यू है वो कितने की पड़ी भाई? ये पड़ी मेरे को है ना 40,000 रुपए की महीने के हिसाब से। रेंट वाली कार है ना, रेव से ली है, वो वाली है। बोल तो चले, पहले जा रहे हैं कल ही करवाने। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कल ही करवाने जाने, कल ही करवाने। तो बात करने का टाइम आ गया, 40 दिन हो गए लॉकडाउन के, आपने क्या सीखा लॉकडाउन में बताओ? क्या सीखा? सोना। वो तो हमेशा सोते थे। खाना नहीं, अब बहुत ज्यादा नींद आ रही है। खाते ही पहले थे। सीखा क्या, लर्निंग क्या मिली? बाहर नहीं निकलना, वो तो मजबूरी थी। सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा, पैसे बचाना सीखा। हाँ ये बात। शॉपिंग ना करना सीखा, मतलब शॉपिंग पे ना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, शॉपिंग से कैसे बचा जाए। कुछ लोग हुड़क उठती है, एक क्रेविंग होती है शॉपिंग, हाय हाय शॉपिंग, हाय शॉपिंग। 40 दिन सब कुछ बंद है, 40 दिन ज्यादा हो गया बल्कि। क्या सीखा आपने? पैसे बचाना, पैसे। आप बताओ कमेंट करके कि आपकी क्या वो चीज थी जो आप रोज मतलब कि लॉकडाउन से इफेक्ट हुई है और आपने सीखा कि हाँ यार अगर वो नहीं थी तो भी हम जी सकते थे ना। जैसे बहुत लोग हैं शॉपिंग के बिना जी नहीं सकते थे, वो अब जिए हैं ना, वो जिनको रोज बाहर निकलना होता था, गाड़ी में घूमना होता था, वो नहीं निकले, लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता था, वो भी तो रहे हैं ना। इसके अलावा क्या सीखा और क्या सीखा? अच्छा लॉकडाउन में हम कितने बाहर गए, कितने दिन बाहर गए हैं? बाहर ही नहीं गए हैं। और क्या क्या लेने गए बाहर?
सिर्फ दवाइयाँ लेने गए हैं, उसके अलावा और कुछ भी लेने गए हैं, या सब्जियाँ लेने गए हैं, या राशन, बस और कुछ नहीं। अभी कहाँ जा रहे हैं? कल ही करवाने और कहते हैं दांत बहुत तीले, चलो कल ही करवाए थे। डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले, डेंटिस्ट कहता आ जाओ, ठीक है जी चलते हैं, कल ही करा के आते हैं, देख लो दांत दिखाओ खोल के, ई करके दिखाओ ई, फिर बताना कि कल ही के बाद कैसा इफेक्ट पड़ा। पता क्या, जो ज्यादा गोरे होते हैं ना उनके दांत पीले ही होते हैं। अच्छा हाँ, वेरी गुड। जिनका रंग सांवला होता है ना उनके दांत वाइट होते हैं। ये तो नई बात सुनी मैंने। हाँ, जो देखे अफ्रीकन लोग जो बिल्कुल जिनका रंग डार्क होता है उनके दांत सफेद होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं दांत, एकदम चमकते हैं। और जो गोरे होते हैं ना उनके पीले होते हैं। और मेरे शुरू से बचपन से ही ऐसे हैं दांत। बस फिर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है फिर। इनके ऊपर जो मर्जी रगड़ लो ये ऐसे ही रहेंगे। कोयला रगड़ा करो। हाँ, कोयला काला है ऐसा कुछ गाना है। चलो देखते हैं, दूर से भाई साहब आज वीडियो देखी थी व्हाट्सएप पे आई थी, और व्हाट्सएप पे जो वीडियो आती है बिल्कुल सच्ची होती है। क्या आई थी ये तो बता दो, दिखा देंगे वीडियो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपने लॉकडाउन से क्या सीखा। लॉकडाउन से हमने सीखा कि भैया अगर जरूरत नहीं है ना तो घर से बाहर जाने की कोई जरूरत कोन्या, घर से बाहर जाने की कोई जरूरत कोन्या। अरे गाड़ी ठुक जाती, ट्रक ठोक दे तो भाई लैंड सीधो तो कर ले। आपको पता ना कैसे चिपका भाई, ये नहीं पता कैसे चिपका फोन। तो आप जाओ मेरी वो वाली वीडियो देखो, न्यू लाइफ न्यू सिटी वाली। यहाँ पे क्या चेकिंग होती है इसलिए मुंह पे लगाना पड़ता है, अंदर बैठो बाहर बैठो कोनो फर्क नहीं पड़ता है, पुलिस ने रोक लेना। हाँ भाई साहब, कहाँ जरा शर्मा जी, आओ जरा साइड में आओ, डंडा बजाओ भाई। सच्ची पुलिस खड़ी है, सच्ची पुलिस क्या हमेशा खड़ी होती है पुलिस, तो मस्त यहाँ पुलिस वाले ना मस्त रहते हैं। अभी देखो चाहे खड़े हैं ना तो खड़े हैं, आराम से बातें करते रहेंगे मस्त, जब उनका मन करेगा वो रोकेंगे, मन करेगा तब पूछेंगे, नहीं तो आन दे जान दे भैया। वही सुबह से शाम तक बेचारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हाँ बस ठीक है यार, होगी बस, बहुत बात होगी, बहुत होगी बात, बहुत बातें होगी। तो ये है बाहर का माहौल, ये है मानसरोवर का कोई ना कोई मार्ग है, नाम नहीं पता मुझे, पटेल मार्ग है शायद ये वाला। और यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव भी है, आरोग्य सेतु ऐप में देखा था मैंने, उसके अंदर दिखा रहा था कि 2 किलोमीटर में एक बंदा पॉजिटिव है, अब वो पता नहीं कहाँ पे है, और यहाँ पर एक इलाका भी सील कर रखा था तो पता नहीं अभी तक है या नेगेटिव आ गया है, क्योंकि तो पहले सील कर रखा था। और अब क्या ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको न्यूज़ वगैरह में नहीं मिलती है, वो बाहर से ही आपको जो है वो आउटसोर्स करनी पड़ती है ये सब खबरें। ये देखो ये राष्ट्रीय सचिव की भी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, साहब लेने आए सामान, सचिव जी सामान लेने आए कुछ। सचिव जी से याद आया, आपने पंचायत देखी क्या अमेजोन प्राइम वीडियो पे? पंचायत देखो सचिव जी बड़ा मजा आएगा आपको सुन के उसके अंदर। तो हम आते हैं यहाँ पे अपोलो फार्मेसी के ऊपर दवाइयाँ लेने, और मोस्टली लॉकडाउन में हम यहीं तक ही आए हैं, और एक मोबाइल की दुकान भी खुल गई है देखो, महेंद्र मोबाइल फाइनेंस 0%। चलो कोई ना कोई तो फायदा उठा ही रहा है छूट का। जयपुर वाले जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग सीखते ही नहीं है, देखो मैडम आई और यहाँ पे आके जो साथ में खड़े हो गए इनके, कौन समझाए जयपुर वालों को। जयपुर वालों समझना शुरू करो। देखा आपने ये बंदा जो है वो पुलिस वाले से इतनी देर से जो है वो बहस कर जा रहा है, और पुलिस वाला बेचारा कि भाई निकल जल्दी से, क्यों हमारे को इरिटेट कर रहा है। चलो जी चलते हैं वापस, सब्जियां वब्जियाँ ले लेंगे हमारे रास्ते में जो दुकान आती है घर के पास से। कूलर मिलने शुरू हो गए हैं। जयपुर जो है फुल रेड जोन के अंदर है, लेकिन ये वाला जो इलाका है वो इतना भी रेड जोन नहीं है, मतलब 2 किलोमीटर में एक बंदा है, 5 किलोमीटर में 5 पॉजिटिव हैं, और 10 किलोमीटर में जो है वो 23 पॉजिटिव हैं। डेटा सौजन्य से आरोग्य सेतु ऐप, अगर आपको नहीं पता आरोग्य सेतु तो बस कहीं भी लिखोगे ना गूगल पे कहीं मिल जाएगी आपको फटाफट, टेंशन की बात ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ये बैरिकेड्स हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे, थोड़ी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है हमको। ये देखो यहाँ भी उधर भी कोरोना वॉरियर जो है वो मुस्तैद हैं अपनी सेवा में,
ये जो है वो हाईवे है जो कनेक्ट करता है जयपुर को अजमेर हाईवे पे और दिल्ली हाईवे की तरफ। और पीछे का देखो बादल, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। सुनाओ भाई सुनाओ, फेवरेट गाना सुनाओ, सबसे फेवरेट गाना ये। अब घर के पास की तरफ आ गए हैं। कर दूंगा सत्ते पूरिया नी तेरिया डिमांडा जेड़िया कूपर तो नहीं आई, की वेन्यू में जो मैंने मांगा है ना वो इन्होंने मुझे दिलवाया है। ये तो सच है, ये कहनी पड़ेगी बात। तो जी बिल्कुल, एक घंटा हो गया है, 6:30 बजे के बाद निकले थे हम और लगभग 7:30 हो गए हैं। सामान भी ले लिया हमने, सब्जियां भी ले ली, दवाई मिली नहीं बाद में ले लेंगे, और कल ही का अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल ही कराएंगे हम परसों। ठीक है जी, चलो घर। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, और क्या आंसू ही बहा रहा हूँ मैं, पता है किसने डेक खेले मेरे आंसू। हाँ। बहुत आंसू बहाया मैंने, बहुत आंसू बहाया इन्होंने, देख लो। और क्या, तो देख ही नहीं लोग, तो अब दिखाऊंगा मैं आंसू बहा बहा के, छोरे का खून पतला हो गया है ना, आंसू बहा रहा हूँ मैं उसे। अब ये इतना किलो पका, ब्लॉग कौन बनाएगा मैडम, ब्लॉग में घुसू, ब्लॉग में ब्लॉग होता है कि ब्लॉग होता है, आज लोग कहते कहते ब्लॉक, ब्लॉक पता है क्या होता है, ब्लॉक ब्लॉक कर दो, ब्लॉक हमारा बोलने का नहीं, ब्लॉक होता है ब्लॉक, ब्लॉक तो उसको करते हैं जो मैसेज करता है। अच्छा, ये ब्लॉक करती है, जो मैसेज करता है उसको ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं ब्लॉक। और क्या, हमको पता था ऊपर ही हो, आप कहाँ जाओगे हैं, कहाँ जाओगे घूमने बताओ मेरे को। ये क्या ले आई, ये कौन सा काका है बच्चों को बता दे, सारे बच्चों को दिखा दे कौन सा काका है। हवा कितनी जोर चल रही है आज यहाँ पे, तो है भाई जी रात को नजारो दिखे है के? कौन दिखे है, दिखे ना दिखे सामने को नहीं बेरो, हवा हवा बहुत सही चल रही है आज, बारिश का मौसम था ना, लेकिन बारिश तो आई नहीं, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, तो ये आपको जो है वो नज़ारा दिख रहा होगा। और वजोशी यहाँ पर ऊपर आ गई, हम आए तो वजोशी दिखी नहीं हमको, तो भैया iPhone 11 Pro की जो क्या कहते हैं लाइटनिंग है वो इतनी लाइटनिंग तो ज़बरदस्त है, मतलब रात की रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी है क्या, पास से है बस। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। लाइक भी करना है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, बाय 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 बाय, सारे जने सो जाके, सारे 40 दिन हो गए, बाय बाय। लॉकडाउन में सुते रहो सारे जने, हम भी सो रहे हैं अच्छे से। और चलो बात से खत्म हो गया, ये देखो रात का नजारा फ्लैश के साथ में दिखा रहा हूँ, और अगर मैं बिना फ्लैश के साथ में फोटो खींचता हूँ नाइट मोड की तो बड़ी जबरदस्त आती है। तो आपको छोड़ जाते हैं कुछ नाइट मोड की पिक्चर्स के साथ iPhone 11 Pro Max की।